स्टार्ट हो गया। इसको पीछे चलाना है तो ये इस तरीके से रखो, आगे चलाना है तो इसको फॉरवर्ड आगे करो। लेकिन बनाया कैसे इसको, एकदम ओरिजिनल की तरह बना रखा है? ओरिजिनल तरह है जी, ये भी लकड़ी से बना रखा है जी। अच्छा। बॉडी जी ये भी बिल्कुल लकड़ी से बना रखी जी। जैसे लंज बंज बॉडी नहीं जी, आप देख सकते हो जी, आप भी बैठे हो मैं बैठा हूँ इसके अंदर, आप चार बंदे और खड़े होकर ले ना तब भी ये टूटेगा नहीं जी। ठीक है, मजबूत ट्रैक्टर पर आप बैठे हो, इसके अंदर भी 1 क्विंटल वजन है जी। इस ट्रैक्टर का वजन 1 क्विंटल है? 1 क्विंटल है जी। और ये खुद कितना वजन उठा सकता है? ये 2-3 क्विंटल वजन उठा सकते, 2-3 क्विंटल वजन उठा के चलेगा ये। हाँ, ये भी ट्रॉली जोड़ रखी है जी। तो नॉर्मल यू मान लो जी, आपका खेत लो है तो रोटी तो ले आओ। हाँ, ले आओ। ये 30,000 की रेंज का है, ये 20,000 का है। ये 2 बैटरियों के अंदर है जी, ये 4 बैटरियों के अंदर। एक बार में कितनी देर चल जाए चार्ज हो पास है? ये 10 किलोमीटर निकाल देता है, ये 20 किलोमीटर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों इस तरीके के ट्रैक्टर आपको फार्म पे चलते हुए तो खूब देखे होंगे और आप लोगों ने प्रयोग भी किए होंगे, लेकिन आज हम जो आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं एक बाल रूप यानी बच्चों के लिए भाई साहब ने तैयार कर रखे हैं और बैटरी से चलते हैं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई कुछ नहीं करना। और क्या कितना लोड कैपेसिटी है, कितनी देर में चार्ज हो जाएंगे, कितनी देर तक काम में ले सकते हैं, सारी जानकारी के लिए जो भाई साहब हमारे साथ हैं इन्हीं से जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। हम महावीर पेंटर है जी, गाँव से सरखर बड़ा जी, तहसील आसिया जी, लाइसार है जी। आसिया जी, महावीर पेंटर सीसर के नाम से जी मेरा यूट्यूब चैनल है जी। ये ट्रैक्टर तो बड़े बहुत सारे बड़े घोड़ा में गिने जावे हैं और एक लीजेंड कलाकार पंजाब का, आजकल तो भाई नहीं है लेकिन आपके लिए तो जिंदा है अभी भी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा न्यू बताओ, कब तैयार करा इसने? ये हो गया जी करीबन 1 साल हो गया जिसको तैयार करी हुई जी। कितने मॉडल तैयार कर रखे हैं आपने? ये 12 ट्रैक्टर सेल भी हो चुके हैं जी। 12 ट्रैक्टर सेल भी कर दिए? हाँ जी। तो इसने कौन लेना पसंद करा है, बड़का हाथर या वैसे शौक के लिए? बच्चों के लिए जो प्लास्टिक की गाड़ी आती है जी, वे जल्दी डैमेज हो जाती है जी, 15-16 हज़ार रुपए की रेंज तक की आती है जी। ठीक है, प्लास्टिक की आती है, वे जल्दी डैमेज हो जाती है जी, क्योंकि हड़की फुड़की उसमें अंदर मोटर प्लास्टिक कचरा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें लकड़ी लो प्लास्टिक की वजह से जो ट्रैक्टर तैयार करते हैं जी, इसमें ये मान के चलो जी 50% लोहा है जी, लोहे की चेसी वगैरह हम इसके अंदर यूज करते हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल मजबूत चीज बनती है जी। जो भी आप जिस ट्रैक्टर पर आप बैठे हो इसके अंदर भी 1 क्विंटल वजन है जी। इस ट्रैक्टर का वजन 1 क्विंटल है? 1 क्विंटल है जी। और ये खुद कितना वजन उठा सकता है? ये 2-3 क्विंटल वजन उठा सकते, 2-3 क्विंटल वजन उठा के चलेगा ये। हाँ, ये भी ट्रॉली जोड़ रखी है जी। अच्छा, इसके अंदर आप जैसे नॉर्मल यू मान लो जी आपका खेत लो है तो रोटी तो ले आओ। हाँ, ले आओ। ये करीबन ये मान के चलो 3 क्विंटल आराम से खींच लेता है। और आप जो बैठे हो ये जी 1-1.5 क्विंटल तक जी, 20,000 रुपए की रेंज तक तैयार कर देते हैं जी। ये मॉडल सेम है जी, थोड़ा इसमें काम बाकी है जी, किसी का ऑर्डर आया हुआ है जी। अच्छा, ये 30,000 की रेंज का है, ये 20,000 का है। ठीक है, साइज आपको सेम दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, उसमें 2 बैटरी लगी हुई है? 2 बैटरी है जी। तो एक बार में कितनी देर चल जाए चार्ज हो पास है? ये 10 किलोमीटर निकाल देता है जी, ये 20 किलोमीटर है। उसकी 10 किलोमीटर की रेंज है, इसकी 20 किलोमीटर की। और चार्ज कितनी देर में हो जाए? ये 4 घंटे में चार्ज हो जाता है दोनों। हाँ जी, फुल चार्ज है मतलब। और जो लाइट कंजप्शन है क्या कुछ रहेगा इनका? ये 10 रुपए 10 रुपए खर्चा एक बार फुल चार्ज होने का। और क्या कुछ फीचर आपने ऐड करा है, ब्रेकिंग वगैरह और ये सारी सही डाल काम कर रही है इसमें तो दे रखे जी, इसमें साइड से रेस दे रखी जी। अच्छा, पहली साइड से डिस्क ब्रेक दे दी जी, पहली साइड से। अच्छा, ये भी ब्रेक है, क्लच होती है इसे के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर बैक फॉरवर्ड का सिस्टम दे रखा है जी यहाँ से। अच्छा, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये फ्रंट गियर का है जी, ये बीच में इसका है जी, इसके अंदर मैंने इसके साउंड भी लगा रखे जी। ये स्टार्ट हो गया? हाँ, स्टार्ट हो गया। अच्छा भाई साहब, इसमें बैटरी मोटर कौन सी लगा रखी है वो दिखाओ थोड़ी। ये देखो जी, इसके अंदर ये मोटर है जी, ये 750 वाट की मोटर है जी। ये ई रिक्शा बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक रिक्शा शहरों में, वो इस पावर वाली इसके अंदर ये मोटर लगा रखी जी मैंने। ठीक है, ये 4 बैटरी में चलती है 48 वोल्ट में। और बैटरी कहाँ है इसकी? बैटरी इसके अंदर यहाँ पर है जी, यहाँ नीचे सेट कर रखी है जी, 12 वोल्ट की 4 बैटरी जी। ठीक, छोटी यूपीएससी बैटरी है। और इसके अंदर स्पैंडल सिस्टम भी दे रखे जी, देखो जैसे ऊंचे नीचे कढ़ाई में जी, यहाँ पर जैसे एक साइड ऊंचाई आ जाती है तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। ये ट्रॉली जोड़ रखी है जी, ये बच्चे बैठे हैं जी, और यहाँ पर इसका हुक वगैरह जी, ये लिफ्ट वगैरह भी बना रखे हैं जी। अच्छा, लिफ्ट काम भी कर रहे हैं वो? हाँ, लिफ्ट काम करती है जी, ये भी उतार रखी, क्योंकि ये देखो जी ट्रॉली कितनी मजबूत है जी। इसकी जो बॉडी है नीचे, ये लोहे की बॉडी बना रखी जी, वेल्डिंग की मदद से। वजन तो मतलब वजन से कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं? हाँ जी। ये डंपर वाला सिस्टम भी है जी, इसके अंदर मैंने पेंच लगा रखा है, अगर इसके अंदर कब्जे वगैरह दे रखे ऑटोमेटिक वहाँ पर उठ भी जाता है जी। मतलब इसको उठाना चाहे पलटना चाहे, जैसे अपने खाद वगैरह डाल रखी है तो सीधा इसको ऊंचा उठा सके? उठा सकते हैं। अगर कोई भाई इसने ट्रैक्टर चाहिए है, ट्रैक्टर बनवाना चाहता है जी, तो ये 20,000 रुपए की रेंज का है जी, ये 30,000 की रेंज का जी। ठीक है, और कितने दिनों में तैयार करके दे दोगे आप? यो जी फिलहाल एक मॉडल तैयार है जी, ये तैयार होने लग रहा है जी, तो ये 15-20 दिन तक तैयार हो जाएगा जी। कहो भाई 20,000 की रेंज का तैयार है जी, ये मॉडल
तैयार करवाना चाहते हो आप फोन पर बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं धनाढ्य परिवारों से जो अपने बच्चों के लिए टॉयज लेकर के आते हैं, प्लास्टिक या जो गाड़ियां लेकर के आते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है इलेक्ट्रिक का। तो अगर ऐसे में आप ये चीजें लेके आते हैं तो सस्ती सुंदर व टिकाऊ काफी लंबे समय तक चलने वाली है और एकदम ओरिजिनल लुक, बच्चा भी फील करेगा कि वाकई में मैंने ट्रैक्टर चलाया है या ट्रैक्टर ले रखा है। तो ऐसी अच्छी चीजों को जो बढ़ावा दें और साथ में भाई साहब को भी सपोर्ट करें। एक बात और कहना चाहता हूं जी, अगर कोई भाई ये चीजें लेना चाहता है तो हमें भेजने की सुविधा नहीं है जी हमारे पास, जी घर से लेके जाना पड़ेगा जी।